यूपी के रायबरेली से इस समय की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। नगर पालिका परिषद में पेंशन के एनपीएस खाते में लाखों रुपए का फर्जीवाड़े का मामला। 12,45,000 रुपए डकारने के मामले में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर दर्ज किया गया मुकदमा। आपको बता दें कि रायबरेली एक्सप्रेस की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। नगर पालिका के अकाउंटेंट ने शहर कोतवाली में दर्ज करवाया मुकदमा, शासन स्तर पर पकड़ा गया था घोटाला। आपको बता दें कि रायबरेली एक्सप्रेस की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। निदेशक के स्थानीय निकाय निदेशालय ने दिए थे मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद में पेंशन के एनपीएस खाते में लाखों रुपए का किया गया था फर्जीवाड़ा। 12,45,000 रुपए के डकारने का है पूरा मामला, जहां नगर पालिका के अकाउंटेंट ने शहर कोतवाली में दर्ज करवाया मुकदमा। निदेशक नेहा शर्मा के आदेश के बाद दर्ज हुआ मुकदमा। वही 6 खातों के लेन देन भी लगाई गई रोक। इस समय की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। इस घोटाले में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करवाकर अन्य जिम्मेदारों ने झाड़ा पल्ला। रायबरेली एक्सप्रेस की खबर का दमदार असर हुआ है। नगर पालिका के अकाउंटेंट ने शहर कोतवाली में दर्ज करवाया मुकदमा, शासन स्तर पर पकड़ा गया था घोटाला। निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय ने दिए थे मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश। वहीं 6 बैंक खातों के लेन देन में भी लगाई गई रोक। इस समय की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर एक्सप्रेस।